Well, it's a very, very important day. 1 जुलाई हमारे जैसे डॉक्टर्स की ज़िंदगी में इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म दिवस भी है और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी। और किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए डॉक्टर बीसी रॉय से बड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता। उनका पॉलिटिकल लाइफ देखा जाए तो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ देखी जाए तो, ऐसे एजुकेशनिस्ट उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो, ऐसे फ्रीडम फाइटर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो, और एज प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर मेनी इयर्स, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर मेनी इयर्स, सेल्फलेस डेडिकेटेड डॉक्टर। और शायद ये हम सब जानते हैं कि इस दिन को डॉक्टर्स डे के नाम से डेडिकेट भी उन्हीं के लाइफ से प्रेरणा लेके किया गया जिस समय पे भी। और मैं भी देख रहा था कि ये जो खासकर हमारा फेलोशिप प्रोग्राम आज शुरू हुआ है जिसकी प्रोस्पेक्टस बनाई गई है, जो लगभग 11 स्पेशलिटीज़, 42 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, सारे आपके सार्क वगैरह के कंट्रीज़ और वो सब में, यानी अभी तक हम लोगों को बाहर फेलोशिप लेने के लिए, और उसमें भी ये आज का मोमेंट आपने जो आज 1 जुलाई चुना, ये एप्ट इसलिए है कि डॉक्टर बीसी रॉय, उन्होंने पढ़ाई अपनी की भारत में, उसके बाद जब उन्होंने इंग्लैंड में अप्लाई किया तो उनको पहली बार रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो एशियन थे। उन्होंने फिर एप्लीकेशन दिया, फिर रिजेक्ट किया, और ऐसा शायद पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं होगा कि कोई डॉक्टर किसी देश में किसी इंस्टीट्यूशन में 30 बार अप्लाई करे। 30 टाइम्स डॉक्टर बीसी रॉय अप्लाइड एंड हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड 30 टाइम्स बिकॉज ही वॉज एन एशियन। लेकिन 30 बार के बाद जो है उनकी एप्लीकेशन को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, एंड ही इज़ प्रोबेबली द ओनली डॉक्टर, और भी होंगे मेरे ख्याल से, बट एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट देम, जो कि उसके फेलो है, इसके रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के भी मेंबर है, फेलो है, और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के भी फेलो है। और उनकी जो एजुकेशनल हिस्ट्री भी आप देखें तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मैथमेटिक्स करने के बाद दोनों जगह अप्लाई किया है, मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अप्लाई किया है, एंड ही सेलेक्टेड टू वर्क इन ए, मतलब चूज टू वर्क इन ए, मतलब स्टडी इन ए मेडिकल कॉलेज। बहुत उनका लाइफ जो है बहुत ही प्रेरणादायक है, कैसे एथिकल तरीके से निस्वार्थ उन्होंने मरीजों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, ऐसे पॉलिटिशियन एंड ऐसे चीफ मिनिस्टर ऑफ सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल 13-14 साल तक उन्होंने, और एकदम अनब्लेमिश्ड मेरे ख्याल से उनका कैरियर है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उस ज़माने के अंदर, मतलब उसकी भी कितनी बड़ी प्रेस्टीज होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम लोग बहुत रिस्पेक्ट से लेते थे, नॉट लाइक आज की तरह से, लेकिन उन्होंने जो है वो जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बहुत बड़ा नाम दिया। तो आज का दिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको हम, आपने इस फंक्शन को आज किया, मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है, और विशेष रूप से फेलोशिप हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शुरू कर रहा है विदेश के लोगों के लिए। भारत के डॉक्टरों ने पहले ही खाली भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में प्रतिष्ठा कमाई है। मैं बाकी दुनिया का तो जानता नहीं, लेकिन मैंने अमेरिका में और इंग्लैंड में खासकर बहुत नज़दीक से देखा है कि भारत के डॉक्टरों की जो वहाँ पर प्रतिभा है उसका कितना बड़ा सम्मान होता है। वहाँ जब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन का फंक्शन होता है तो वहाँ उसमें अमेरिका के बड़े बड़े लोग शिरकत करते हैं, किस तरह की रिस्पेक्ट देते हैं, और
ब्रिटेन में भी जो है आप सब हम सब जानते हैं कि वहाँ की मेडिकल सर्विसेज में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है भारत के डॉक्टरों का है। तो ये आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो प्रतिष्ठा हमारे पास ऑलरेडी है उसको एक प्रकार से औपचारिक प्लेटफॉर्म पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम उसका स्थापित होगा कि बाहर के लोगों को भी जो है यह हमारे देश में फेलोशिप करने की सुविधा होगी। और वो फेलोशिप ऐसे नहीं मिलेगी, उस फेलोशिप का कोर्स करने के लिए भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में उसको क्वालिटी के पैरामीटर्स को जो है एक तरह से फुलफिल करना पड़ेगा। तो अपने आप में ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा जो आपने ये क्लिनिकल और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेडिकल एथिक्स और जो अभी मैडम ने भी बात किया हिप्पोक्रेटिक ओथ का, ये सब हम लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में हिप्पोक्रेटिक ओथ की बात होती थी। मेरे मेडिकल कॉलेज में तो मेरे अल्मा मेटर में मेडिकल कॉलेज में घुसते ही सबसे पहले बहुत बड़ा जो है हिप्पोक्रेटिक ओथ जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि दूर से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि समय के साथ शायद हिप्पोक्रेटिक ओथ की बात भी होती है और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो मोदी की किताब है उसमें हम सब जानते हैं कि मेडिकल एथिक्स के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर है जो बहुत डिटेल में हर एक कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन शायद जिस प्रकार से उसकी चर्चा आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 50 साल पहले शायद मेडिकल कॉलेजेस में होती थी, जो हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था, आज वो शायद कहीं ना कहीं लोग वो विषय को ही भूल गए हैं। तो उस नाते अभी ये भी थोड़ा बहुत चैलेंज ज़रूर हो गया है कि जो भावना से हम लोग हमारे बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे, अब उस भावना से हमारा मरीज़ हमारे पास नहीं आता। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोफेशन में भी कमियां आई हैं। लेकिन जो डॉक्टरों के जो स्वभाव में और जो उनके एक प्रकार से डीएनए में जो इनहेरेंट जो स्प्रिट है वो एकदम गुडनेस वाली है, वो नोबिलिटी की है, और उसको एक प्रकार से जागृत रखना, अक्षुण रखना, जीवित रखना, उनको समय समय पर उनका दायित्व उसको किस तरह निर्वाह करना है उसका स्मरण कराते रहना, उनको एथिक्स के बारे में भी ध्यान दिलाते रहना, और जो खासकर ये जो NBE की तरफ से जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स चलता है 82 डिसिप्लिन में चलता है, 29 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में चलता है, 30 सुपर स्पेशलिटीज़ में और 23 सब स्पेशलिटीज़ में चलता है 703 इंस्टीट्यूशंस में। और अभी इसका बहुत बड़ा विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं जिसके लिए अभी हम लोगों ने डिस्कशन करके अप्रूवल्स दिए हैं, जिसके फॉलोअप के बारे में अभी मैडम ने भी बातचीत की है। तो ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है। तो मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा ना कहूँगा, लेकिन ये कामना करूँगा कि ये हमारा जो स्वप्न है, जो इसके पीछे की जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल गाइडलाइंस, गुड क्लिनिकल गाइडलाइंस और प्रैक्टिकल बात की है, और उसमें डॉक्टर साहब ने और बताया गया जैसा बहुत मेहनत की है उनकी टीम ने सब ने, आई थिंक दिस शुड हमारा ये भी प्रयास रहना चाहिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसको गहराई और गंभीरता से डॉक्टर लोग उसको पढ़ें भी, ये खाली एक डॉक्यूमेंट ना बनकर रह जाए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भाई डॉक्टर बनना जो है ये एक प्रकार से भगवान का असीम कृपा, भगवान का असीम आशीर्वाद, और ये डॉक्टरी का पेशा ऐसा है जो 2-in-1 है। आप अपनी रोज़ी रोटी भी करते हैं और मानवता की सेवा भी करते हैं। तो ये आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ये आपका सौभाग्य है डॉक्टर बनना, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनना ये एक चैलेंज है जिसको हमको सबको जो है डॉक्टर कम्युनिटी को भी अप्रिशिएट कराना है कि डॉक्टर बन गए हो ये हो सकता है तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा, तुम्हारे माता पिता की तपस्या का परिणाम होगा, और भगवान की कृपा का परिणाम होगा, या तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कामों का परिणाम होगा। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी एक्चुअल में अच्छा डॉक्टर बनना ये एक चुनौती है, और इस चुनौती को
सफलतापूर्वक इसका सामना करके एक अच्छा डॉक्टर बनना, इसके लिए जो कुछ उनको समय समय पर करना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, अपनी प्रैक्टिस में लाना आवश्यक है, उसका स्मरण ये प्रक्रिया करेगी। और मैं ये मानता हूँ ये प्रक्रिया यहाँ ही नहीं शुरू होके ख़त्म होनी चाहिए। ये इसकी जो राजेश जी, इसका जो आगे विस्तार है, ये आने वाले समय में वैसे तो नेशनल मेडिकल कमीशन के आगे भविष्य की योजनाओं में मेडिकल एथिक्स और ये मेडिकल बिहेवियर, कंडक्ट, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखने के बारे में बातचीत की गई है, लेकिन इसको ढंग से हम और ज़्यादा कैसे एक बड़ा आंदोलन बनाएं, ताकि जो प्रोफेशन की कहीं ना कहीं खोई हुई या कमज़ोर हुई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा है वो दोबारा से रिस्टोर हो। और डॉक्टर बीसी रॉय के बर्थडे पर मुझे लगता है कि ये संकल्प लेना ही हम सब के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम लोग अभी रूटीन स्थान पर नहीं हैं, हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं प्रोफेशन से और जो प्रोफेशन में सिस्टम है उसमें जो भी खामियां हैं या कमियां भी हैं उनको भी हम लोग ठीक से डायग्नोज करें और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश करें। तो बहुत बधाई है सब NBE के सभी आप लोगों को, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अपने स्टैंडर्ड्स को और बेहतर करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, और जितना भी इसका विस्तार है देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सफलतापूर्वक करेंगे।